नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम दिनेश है और मैं हरियाणा से हूँ। और आज से 2.5 साल पहले मैं अशोर्ड कंपनी में ट्रेनिंग करने आया था। और कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचा और मैंने एक बैरन रैंक से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। और जब मैं नया नया इस बिज़नेस के अंदर था तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन हाँ, बाहर कुछ लोगों ने कंपनी के बारे में बुरा बोला कि ऐसी कंपनियाँ पैसा जमा करती हैं या फ्रॉड होती है, तो ये गलत तरीके से काम करती है। तो मैंने दिमाग के अंदर ही आया कि अगर इतने सारे लोग काम करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी जो बुक्स है डायरेक्ट सेलिंग की, उन बुक्स को मैंने रीड करना स्टार्ट किया। यूट्यूब के ऊपर मैंने इस बिज़नेस के बारे में जानने की कोशिश की और सारी चीज़ें जानने के बाद जो मैंने इस बिज़नेस से पाया, मुझे ये लगता है कि इस बिज़नेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर क्लास फैमिली से हैं। तो हम डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को छोटे पैसे से स्टार्ट करके हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और हम मिडिल क्लास लोअर क्लास लोग जो होते हैं, हम बाहर ज़्यादा पैसे से कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको रिस्क मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यही सोच के इस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद इस बिज़नेस की बात करूँ तो इस बिज़नेस को हम एक टीम बना के हम इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। वैसे हर एक बिज़नेस के अंदर हमें लोगों की ज़रूरत होती है, बट अदर जो बिज़नेस होते हैं उनमें सैलरी होती है, लोगों को नीचे काम करने के लिए रखा जाता है और हर महीने फिक्स सैलरी दी जाती है। बट इस बिज़नेस के अंदर हमारे साथ लोग आते हैं, जिस तरीके से हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं वैसे लोग बिज़नेस को परचेजिंग के थ्रू बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, और वो भी लोग अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आगे टीम को बिल्ड करते हैं। और जो जितना टीम हर महीने कंपनी के जो प्रोडक्ट को सेल करती है उसी सेल में से एक इंसेंटिव तय होता है, और वो इंसेंटिव किसी एक पर्सन पार्टिकुलर पर्सन को नहीं जाता, वो सभी लोगों को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। जितने भी लोग नीचे से लेके ऊपर तक उस सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। लेकिन कुछ लोग इस काम को ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं एक चैन बनाई जाती है या एक लोगों को ये बंदे जोड़े जाते हैं, इस तरीके से इस बिज़नेस को देखते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने किताबों के अंदर स्टडी किया है या यूट्यूब पे देखा है, तो कहीं पर भी किसी भी एक प्रोफेशनल पर्सन ने जो एक अच्छे स्टेज के ऊपर है इस बिज़नेस के बारे में बुरा नहीं बोला। हालांकि जो बड़े बड़े फेमस लोग हैं वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो बिल गेट्स है, डोनाल्ड ट्रंप है, APJ अब्दुल कलाम है, उन्होंने भी इस बिज़नेस के बारे में बोला है कि 21वीं सदी का सबसे खूबसूरत बिज़नेस है ये। और क्योंकि खूबसूरत बिज़नेस इसलिए है क्योंकि ये बातें सभी को पता है कि आने वाले टाइम में सरकार लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती। तो लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर मैं यहाँ पे 4 से 5 साल दूँ इस बिज़नेस के अंदर, तो जो मैं एक सपने बुनता हूँ अपने बचपन के अंदर, या जब मेरी उम्र 18-19 साल की होती है कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरा अच्छा लाइफस्टाइल हो, तो वो सारी चीज़ें 4 या 5 साल के अंदर मैं इस प्लेटफॉर्म से अचीव कर सकता हूँ। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है या जिसके सपने हैं कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अच्छा लाइफ में करना चाहता हूँ, तो अशोर्ड आपके पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। और एक आपके पास एक मेहनत करने का एक तरीका होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, और वो प्लानिंग और मेहनत आपको इस बिज़नेस में आके दी जाएगी, मिलेगी, उसके थ्रू आप इस बिज़नेस के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू।